अभी आप मतलब अभी ज्वाइन किया यहाँ पे क्या? निखिल की जगह निखिल तो है ना अभी कहाँ चला गया? क्या नाम लिखते पूरा? चालू कर दिया। नमस्कार बच्चों, बच्चों टेंथ क्लास में प्रायिकता जो चैप्टर है उसके बारे में, प्रायिकता चैप्टर को अपन देखते हैं। इसमें आज क्लास होगी मेरी और 30 तारीख को भी प्रायिकता की क्लास है। दोनों क्लास में अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, और आपने पढ़ लिया होगा। वैसे बच्चों में प्रायिकता का मतलब होता है अनिश्चितता होती है, एक्चुअली में अनिश्चितता का वातावरण रहता है। अब जैसे कल भोपाल में पानी पड़ा और कुछ कई जगह ओले पड़े, वेदर फॉरकास्ट था पहले से कि पानी पड़ने की संभावना है, तो ये नहीं फॉरकास्ट में ये नहीं कहा गया था कि पानी पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% नहीं श्योर थे कि पानी पड़ने वाला है। उसने लिखा था, पेपर में आया था कि पानी पड़ने की संभावना है, केवल संभावना व्यक्त की जाती है यदि घटित हो गई और नहीं घटित हुई। ये जो अनिश्चितता रहती है, इस अनिश्चितता को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसी सिक्के में दो दो सरफेस होते हैं, एक होता है हेड और दूसरी तरफ कितना होता है टेल होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी सिक्के को जब हम इनको टॉस करते हैं तो उसमें दो संभव स्थितियां होती हैं, वन साइड हेड होता है और अदर साइड टेल होता है। ये श्योर बिल्कुल नहीं होती है उसमें कि हेड आएगा या टेल आएगा, कोई भी कंडीशन कोई भी संभावना आ सकती है। तो जो संभावना आने की रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इसी में भी कुछ वर्ड्स होते हैं कि परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ऐसे ऐसे शब्द हैं वो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपवर्जी घटना क्या होती है, आश्रित घटनाएं क्या कहलाती हैं, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को हम इस निशान से दिखाते हैं, प्रायिकता जो है इस निशान से दिखाते हैं, पीई दिखाते हैं, और इसका मतलब होता है प्रायिकता। इसको कहते हैं प्रायिकता। और यदि फार्मूले के फॉर्मेशन देखें तो अनुकूल परिणामों की संख्या, ये जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे होता है कुल संभव, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, इस तरीके से कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, इसको हम प्रायिकता कहते हैं। और ज्यादातर किताबों में ये पीई बराबर जो लिखा रहता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, या ये एम अपॉन एन, इस तरीके से लिखा रहता है, एम अपॉन एन, एम अपॉन एन लिखा रहता है। अनुकूल परिणाम, इसका मतलब हुआ अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम, और नीचे वाले का मतलब हो गया कुल परिणाम, इसको कहते हैं कुल परिणाम कहते हैं, ये एक फार्मूला हो गया। बच्चों निश्चित तौर पर ये जो प्रायिकता की जो वैल्यू होती है इस तरीके से ली जाती, पी लेस देन आर इक्वल टू वन, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता जो कि हम पी निशान से दिखाते हैं, जीरो और इसके बीच में होता है मान, मतलब जो प्रायिकता का मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रायिकता की जो वैल्यू है, प्रायिकता की जो कंडीशन है वो ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि इसका जो मान है किसके बीच में लाइज करता है, जीरो से एक के बीच में लाइज करता है, अर्थात प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, बच्चों कह सकते हैं कि प्रायिकता जो घटना है वो ऋणात्मक नहीं होती है, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, ध्यान ना। और पहला पॉइंट, प्रायिकता शून्य का मतलब है, प्रायिकता शून्य का मतलब है घटना घटित नहीं होगी, घटना घटित नहीं होगी, ये प्रायिकता शून्य का मतलब है। और प्रायिकता वन का मतलब है, जो लास्ट में वन लिखा है, प्रायिकता वन का मतलब है, का अर्थ है कि घटना 100% होगी, घटना जो है वो बिल्कुल 100% घटित होगी। प्रायिकता एक का अर्थ है कि घटना 100% घटित होगी, 100% का मतलब है कि पूर्णतः घटित होगी, 100% घटित होगी। ये इनके अर्थ है, जानना चाहिए। माइनस में उत्तर नहीं होता है, उत्तर जीरो में होने का मतलब है कि होने ही नहीं है वो चीज, और वन का मतलब है कि जो घटना होगी वो 100% क्या है, घटित होगी, निश्चित तौर पर घटना घटित होगी। ये छोटे छोटे इनके मतलब होते हैं। और बच्चों प्रायिकता का जो मान है दशमलव एक से लेके, मतलब जीरो से लेके और ये पॉइंट वन के बीच में होता है, जितना इस तरफ का घटना घटने की संभावना उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है, और जितना इस तरफ की तरफ आंसर होता है उतनी घटना घटने की संभावना कम होती है, इस तरीके का निशान होता है। यदि 0.9 उत्तर आ गया तो हम कहेंगे कि घटना घटित होने की संभावना ज्यादा है, 0.1 उत्तर है तो कह सकते हैं कि घटने घटित होने की संभावना कम है। मतलब कहने का ये है कि उत्तर जितना हमारा एक की तरफ जाएगा, उत्तर हमारा जितना एक की तरफ जाएगा प्रदर्शित होगा, घटना उतनी ही ज्यादा घटित होगी, और उत्तर जितना हमारा जीरो की तरफ जाएगा उतनी घटना घटित होने की संभावना कम होती है। ये छोटी बातें हैं, हमको बिल्कुल इन पे याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है बच्चों की, जैसे कुछ परिणाम होते हैं हम आपको बना के बताते हैं। बच्चों यदि हम एक कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन को यदि हम टॉस करें तो इसके दो परिणाम होते हैं यहाँ पे, या तो हेड होता है या क्या होता है, टैल होता है। यदि बच्चों यदि हम दो कॉइन की घटना को देखें, टू कॉइन को टॉस करें हम, कि दो कॉइन को यदि हम टॉस करते हैं तो कितने परिणाम आते हैं, दो कॉइन को यदि हम सिक्के को उछालें ऊपर, दो सिक्के को उछालने पर जो परिणाम होते हैं उनकी परिकल्पना कैसे करते हैं, दो सिक्के ऐसे होता बेटा, एच एच दोनों का हेड कहलाएगा, एच टेल कहलाएगा, टेल हेड कहलाएगा, टेल और टेल कहलाएगा। इस प्रकार कुल चार परिस्थितियां बनती हैं। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो दो संभव परिणाम आएंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो हम चार संभव परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम तीन कॉइन को टॉस करेंगे, यदि भी थ्रो कॉइन कॉस्ट कॉइन थ्री टाइम्स देन टोटल फेवरेबल इवेंट्स आर, ये ऐसे बनेंगे एच 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 टी एच
TH 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 T
एक क्वाइन पर मैं बताऊं, यदि हम इसको कुल यहाँ पे दो घटना है, कुल यहाँ पे चार घटना है, कुल यहाँ पे आठ घटना है, तो इनको याद करने का कैसे कैसे याद करने की तरफ हम गए, कितने परिणाम बनेंगे। समुच्चय में 9वीं क्लास में पढ़ा है समुच्चय क्या होते हैं, वहां भी थोड़ा ध्यान देना। यदि दो एक क्वाइन है तो जो कुल घटनाएं बनेंगी 2 की पावर 1 दो बनेंगी, और दो क्वाइन है तो कुल यहाँ पर बनेंगी घटना 2 पावर 2, तो कुल कितने घटित होंगी, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, चार। यदि एक क्वाइन को टॉस करेंगे, अ सिंगल थ्रो ऑफ क्वाइन, तो टोटल जो संभव स्थितियां बनेंगी 2 की घात 1, और दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो कुल बनेंगे 2 पावर 2, कितना बनेगा, 4 बनेगा। और यदि तीन क्वाइन को टॉस करेंगे तो 2 पावर 3, कुल परिणाम कितने आएंगे, 8 आएंगे। ये बिल्कुल ध्यान देना, टॉस 2 फेवरेबल इवेंट्स आएंगे बेटा, 2 सैंपल स्पेस फॉर्म। दो क्वाइन को टॉस करेंगे 2 की घात 2, 2 पावर 2, 4 सैंपल स्पेस। 3 क्वाइन टॉस 2 पावर 3, 2 पावर 3 मतलब 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, जो कि हम लोग आसानी से बना लेते हैं, ये जैसे आसानी से बना लेते हैं। चार के थोड़ी दिक्कत होती है बनाने वाले, वो भी बनाते हैं। चार क्वाइन को टॉस करेंगे, यदि हम कहें कि हमें 4 क्वाइन को टॉस करना है, तो टोटल सैंपल स्पेस 2 दी पावर 4 कितना होगा, 16 सैंपल स्पेस बनेंगे। जितने क्वाइन होंगे उतनी पावर चढ़ जाएगी, 1 क्वाइन 2 पावर 1, 2 क्वाइन 2 पावर 2, 3 क्वाइन 2 पावर 3, 4 क्वाइन 2 पावर 4, ये सारे इसके सैंपल स्पेस होंगे। कुल संभव परिणाम इनको बोला जाता है, कुल संभव परिणाम घटने की संख्या, कुल संभव परिणाम आने की प्रायिकता कहलाती है, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, कुल संभव परिणाम। इसके बाद जब हम जो अपने क्वेश्चन में है, जो समझाने की बात है, यदि हम एक डाई को थ्रो करें, यदि हम एक सिंगल डाई को थ्रो करें, यहाँ पे डाई को थ्रो करें, 1 डाई थ्रो, तो यहाँ पर इसके संभव परिणाम होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक पांसे को फेंका जाए, पांसे कहलाता है, अंग्रेजी में डाई कहते हैं, तो इसके इतने सारे संभव परिणाम आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बच्चों सम परिणाम होगा, यदि हम सम परिणाम की बात करें तो सम परिणाम होगा 2, 4 और 6 होगा। यदि हम विषम परिणाम की बात करें तो 1, 3 और कितना होगा, 5 होगा। यदि हम कहें सात आने की संभावना, चूंकि सात है नहीं, तो इसका कितना होगा, 0 होगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना कहलाएगा, 0 होगा। यदि मैंने कहा 3 से अधिक आने की संभावना, 3 से अधिक आने की संभावना, तो आप को लोगे यहाँ पे 4, 5 और कितना लोगे, 6 लोगे। जब प्रायिकता निकालते हैं तब इन चीजों पे आधारित सवाल आते हैं। मैंने अभी इतना कहा कि यदि हम किसी डाई को थ्रो करें, अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, फाइंड टोटल सैंपल स्पेस, कुल संभव परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, इवन नंबर सम परिणाम आने के संख्या 2, 4, 6, एंड ऑड रिजल्ट्स आर विषम परिणाम 1, 3, 5। 7 की संभावना शून्य नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं यहाँ पर, और 3 से अधिक आने की संभावना 4, 5 और 6। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि 3 और 3 से अधिक, 3 और 3 से अधिक,
मैंने जो ऊपर शब्द लिखा है अभी तीन से अधिक लिखा है, चार पांच और छह, यहां लिखूं तीन और तीन से अधिक, तीन और तीन से कितना लिखा अधिक, तीन और तीन से अधिक तो कितना होगा तीन, चार पांच और कितना होगा छह, तीन और तीन से अधिक तीन चार पांच छह, तीन से अधिक चार पांच छह, उसम परिणाम एक तीन पांच, सम परिणाम दो चार और छह, ये ट्रेंड चलता है। पर मैंने कहा यदि ये वाली सारी बातें थी एक डाई को थ्रो करने की, यदि मैंने कहा दो डाई थ्रो करें, दो पासों को फेंके, टू डाई थ्रो, टू डाई थ्रो, या दो पासों को फेंकें, दो पासों को फेंकने पर बच्चों इस तरीके से S1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अनदर S2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एक डाई पर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दूसरे डाई पर भी आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों डाई को लाएं तो S1 गुणा S2 36 होंगे। 36 कैसे होंगे, इस डाई का 1, 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, दूसरे डाई के लिए 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, ये कुल 36 परिणाम आएंगे। दोनों डाई को थ्रो करें तो कुल परिणामों की संख्या 6 गुणा 6 बराबर 36 होंगी, ध्यान देना। कुल संभव परिणाम मैं बच्चों बता रहा हूँ, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 11वीं क्लास में तो और इसकी उपयोगिता है, पर प्राइमरी बेसिक में तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि दो पासों को फेंकेंगे तो कुल कितने परिणाम बनेंगे, दो पासों को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम बनेंगे। पहले मैंने इसका ये लिया और इसके सारे अंक लिए, फिर दो को यूज किया इसके सारे अंक लिए, फिर तीन को यूज किया इसके सारे अंक को यूज किया, फिर चार को लेके इसके सारे अंक लिया, पांच को फिर इसी सभी को मल्टीप्लाई करके बनाया मैंने। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों कि जो परिणाम है उसमें ये जो संख्या है एक और एक दो, दोनों पासों को फेंकने पर दो के आने की संभावना, दोनों पासों को फेंकने पर ये तीन, बच्चों ध्यान देना आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, ये दो और एक तीन और एक और दो तीन, कुल टोटल तीन है। ये जो मैं डायग्राम लगा रहा हूँ ये कुल चार का योग दिखाएगा, तीन और एक चार, दो और दो चार, एक और तीन चार, ये वाला जो दिखाएगा बेटा पांच दिखाएगा, इसको लू बच्चों चार और एक पांच, तीन और दो पांच, दो और तीन पांच, एक और चार पांच। सवाल ऐसे आता है कि दो पासों को फेंका जाए, दो पासों को फेंका जाए, ध्यान से देखना बच्चों, दो पासों को फेंका जाए तो दोनों पासों पे पांच का योग होने की प्रायिकता क्या होगी। सवाल ऐसा आता है कि दो पासों को फेंका जाए, टू डाइस को थ्रो करें तो दोनों पासों पे फेंकने पर कुल योग के पांच आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पांच आने की प्रायिकता दो पासों को फेंकने पर चार और एक पांच, तीन और दो पांच, दो और तीन पांच, एक और चार पांच। अब ये देखो बच्चों, एक पांच,
दो चार, तीन तीन, चार दो और पांच एक, ये कुल छह आने की प्रायिकता। ये है 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7, ये टोटल 7 आने की प्रायिकता। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जहां तक अपनी तरफ से मानता हूँ। 8 आने की प्रायिकता, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, इस तरीके से टोटल 8 आने की प्रायिकता। ये डायगोनली ले रहे हैं, 2 5 कुल योग 9 आने की प्रायिकता, 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4, कुल संभव परिणाम। बच्चों ध्यान देना, ये प्रायिकता नहीं बोलेंगे, कुल संभव परिणाम बोला जाता है। कुल संभव परिणाम, प्रायिकता का मतलब होगा जितने अंक आएंगे उन अंकों का संख्या में टोटल 36 को भाग दोगे तो वह प्रायिकता प्राप्त होगी। ये इस तरीके से देखो, ये 10 आने का संभव परिणाम और ये 11 आने का संभव परिणाम और ये टोटल ये 6 और 6 12 आने का संभव परिणाम। ये याद रखना चाहिए बच्चों, ये बहुत छोटी सी चीज है पर ये ध्यान में रहना चाहिए। इस दौरान कई सवालों को हल कर लेते हैं। तीसरा डबलेट कहलाता है, मतलब डबलेट का मतलब होता है दोनों में समान संख्या आना। ये मैं रिमार्क लगा रहा हूँ कि डबलेट कहलाते हैं, यदि थ्रो करें तो डबलेट कहलाते हैं। मतलब डबलेट का मतलब एक एक, दो दो, तीन तीन और चार चार, पांच पांच और ये डबलेट कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि दो पासों को हम एक साथ फेंके, दो पासों को एक साथ फेंके तो पासों को फेंकने पर डबलेट मतलब दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की कितनी प्रायिकता होगी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यदि दो पासों को हम एक साथ फेंके, दो पासों को एक साथ फेंके तो दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पासों के एक साथ फेंकने पर समान अंक आने की कितनी प्रायिकता होगी। दो पासों को एक साथ फेंकने पर समान अंक आने की कितनी प्रायिकता होगी, तो वही उत्तर आएगा 6/36, 6/36। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को करना रहता है, ये जरूर ध्यान देना। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं आपके प्रश्न को कराता हूँ। 12.6 प्रश्न वाली है, पेज नंबर 304 पे यदि आप निकाल सकते हो तो निकालो। मैं उसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 सवाल हैं, 6 के 6 करा देता हूँ। 12.6 प्रश्नावली पेज नंबर 304, जो मेरे बच्चे हैं यदि आप करना चाहेंगे तो उनको निकालें। आप देखें 12.6 एक्सरसाइज 12.6 नंबर 304, चैप्टर 12.6 टेंथ क्लास मैथ 304 एक्सरसाइज पेज नंबर। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है इसमें कि पांसे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। क्वेश्चन इस तरीके से है, पहला क्वेश्चन है, मैंने एस लिखा 1, 2, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, जैसे अनुकूल परिणाम, 4 से बड़ा अंक आना शब्द है, 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। चार से बड़े अंक आने की प्रायिकता, फेवरेबल कंडीशन 5.6। तो जो प्रायिकता बराबर होती है बच्चों, अनुकूल परिणाम, अब बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम, ये 2 है और नीचे टोटल 6 अंक हैं, तो जो प्रायिकता कहलाएगी प्रोबेबिलिटी 1/3, ये हमारा उत्तर कहलाएगा। तो बच्चों बहुत जगह इस फार्मूले का भी उपयोग होता है,
प्रायिकता बराबर होता है m अपॉन n, प्रायिकता बराबर होगा m, m की जगह लिखोगे 2 और n की जगह 6, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1/3, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो उत्तर में फर्क नहीं आता है। किताब में फार्मूला m बटे n करके भी दिया हुआ है और किताब में फार्मूला ऐसा भी करके दिया हुआ है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4 से बड़े अंक आने के अनुकूल परिणाम 2 है 5 और 6, कुल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या में गिनने वाले कुल गिनने पे आते हैं जो, तो 2/6 कितना लिखोगे, 1/3। दूसरा सवाल है बेटा, दूसरा प्रश्नावली का सवाल है, 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 से 17 तक संख्या जो है, कुल सैंपल स्पेस 1 से 17 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। बच्चों इसमें लिखा है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मेरे पास जो लिखे हैं, अनुकूल परिणाम सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, भाज्य संख्या 2, एक नहीं लेते बच्चों 2, 3 यदि लिखेंगे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 नहीं लेंगे बच्चों, 11 लेंगे, 11 के बाद 13 लेंगे, 13 के बाद 14, 15, 16 और फिर बाद में 17 लेंगे। तो ये प्रायिकता PA बराबर होती है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो बच्चों अनुकूल परिणाम मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो प्रायिकता बराबर होगी ऊपर 7 और कुल संभव परिणाम 17 डिजिट है, तो 7/ कितना होगा, 17 ये उत्तर कहलाएगा बच्चों, 7/17। याद रखना यहाँ पे एक नहीं लिया जाता है क्योंकि तो एक खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है जो है ना, अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्याओं में से संख्या या अयात्रिक चिन्ह किया जाता है, तो जो जिसका स्वयं से भाग जाता है, ऐसी संख्या जिसका स्वयं से भाग जाता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कुल ऐसे 7/ कितना उत्तर आता है, 17 उत्तर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो सिक्कों को फेंकने पर हेड एक पे हेड की प्रायिकता, बच्चों दो सिक्कों को फेंकने पर एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता, बच्चों दो सिक्कों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, दो सिक्कों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम सैंपल स्पेस एफ इजकल टू एच एच टी टी एच टी और टी एच, एक पर हेड और दूसरे पर टेल है ना, फेवरेबल इवेंट एफ मतलब अनुकूल परिस्थितियां, एक पर हेड दूसरे पर टेल, ये दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार से होंगे एच टी और कॉमा टी एच, दो अनुकूल परिस्थितियां एच टी और टी एच, जिसको कि हम अनुकूल परिस्थितियां कहते हैं। अनुकूल का मतलब जो आपने सोचा है वो आ जाए, तो क्या सोचा था, जो तीसरा प्रश्न है बच्चों कि एक साथ दो सिक्कों को उछालना है
एक साथ दो सिक्कों को छालोगे तो चार कुल परिणाम आ सकते हैं, जिसको कि हमने एस से दिखाया है। चार कुल परिणाम कौन कौन से होंगे? HH, TT, HT, TH, कुल चार संभव परिणाम। और इसमें जो अनुकूल परिस्थितियां, जिसको कि हम कहते हैं कुल संभव परिणाम होता है, HT और कॉमा कितना होता है? TH। कुल संभव परिणाम क्या क्या होते हैं बेटा? HT और कॉमा कितना होता है? TH। कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिस्थितियां, कुल संभव परिणाम जिसको कि हम क्या कहते हैं, अनुकूल परिस्थितियां, HT और कॉमा। अब प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला होता है, एफ अपॉन एस, एफ का मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, या दूसरी तरीके से अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थिति, कुल संभव परिणाम, कुल परिस्थिति, कुल संभव परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी पी बराबर हो जाएगा 2 और नीचे आएगा 4, प्रोबेबिलिटी बराबर 2/4, तो P बराबर कितना आएगा? 1/2। P बराबर कितना आएगा? 1/2 F अपॉन S। F का मतलब टोटल फेवरेबल केसेस, S मतलब टोटल सैंपल स्पेस। टोटल फेवरेबल केसेस 2 और टोटल सैंपल स्पेस 4, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, इस तरीके से है। चौथा क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों कि एक पासे को छलने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, एक पासे को छलने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक होते कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 विषम अंक, फेवरेबल केसेस एफ लिखते हैं इसको, 1, 3 और 5। फेवरेबल केसेस 1, 3 और 5, और प्रोबेबिलिटी पी ए बराबर फेवरेबल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, कुल परिस्थितियां टोटल एन एफ, एन लिख दो यहाँ पे, एन अपॉन कितना किया, एफ ज्यादा अच्छा रहेगा, कुल संभव परिमाण, संभव परिणाम बटे अनुकूल अनुकूल स्थितियां, ज्यादा अच्छा रहेगा एन लगा दोगे, एन के अंदर टोटल कितने आए हैं। और एफ मतलब 1, 2, 3, ये कुल तीन घटना है, और एस का 1, 2, 3, 4, 5, 6/6, तो जो पी ए बराबर आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा? 1/2, ये मेरा उत्तर कहलाएगा, इसी को हम क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाता है 1/2, टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2। इसके बाद है, एक सिक्के को उछाले जाने पर हित और पट एक साथ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को उछालने पर चित और पट एक साथ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हेड और टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंगल कॉइन ऑफ थ्रो, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सिंगल कॉइन, तो सैंपल स्पेस जो होगा या एच या कितना होगा? 1/12। ये 1 कॉइन टॉस है बेटा, इस बुक में लिखा है कि एक सिक्के को उछालना है तो एच या टेल, तो ये जो हेड आने की प्रायिकता जो होगी, फेवरेबल केसेस है, हेड आने की प्रायिकता जो होगी, हेड आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, हेड आने की जो प्रायिकता होगी बच्चों, बच्चों क्या होगा? पी इक्वल टू हेड एक ही है, कुल 1/2, या टेल आने की जो प्रायिकता कहलाती है, पी ए बार कहेंगे यहाँ पर, तो ये होगा 1 - 1/2, जो पी ए बार जो कहलाता है, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 1/2, या तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, या टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, या फिर टेल आने की जो प्रायिकता वो कितनी होगी? 1/2, या तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, या क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ये एक तरीके का होता है। अब होता है क्या बच्चों, जब हम लोग सवाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रायिकता जो लिखा जाता है, पी ए प्लस कितना लिखा जाता है? पी बार इक्वल टू 1 लिखा जाता है,
ये होने की प्रायिकता और ये वाली घटना ना होने की प्रायिकता, पीए जो है बेटा होने की प्रायिकता और पीए बार जो है वो ना होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता को मिला देते हैं तो उत्तर कितना आता है, 1 आता है। ये जो टॉपिक था प्रायिकता, बहुत आसान टॉपिक है, पर इसमें भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है कि जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ करेगी कैसे करते हैं क्वेश्चंस। और मैंने आपको स्टार्टिंग से, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रायिकता क्या होती है, जिसको कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं, संभव परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें जो जीरो होता है उसकी प्रायिकता निल होती है, कुछ मतलब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। प्रायिकता का मान निगेटिव में नहीं हो सकता है, ऋणात्मक प्रायिकता नहीं होती है, या तो धनात्मक होती है, धनात्मक में भी कहाँ तक होती है, केवल एक तक होती है। शून्य होने का मतलब है कि वो घटना नहीं घटित होगी, एक होने का मतलब है कि घटना 100% होना ही होना है, संभव ही है, और प्रायिकता जीरो से लेकर जितना एक की तरफ उत्तर आएगा वो घटना उतनी ही घटित होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, और जितना उत्तर का रुझान जीरो की तरफ होगा उस घटना की घटने की संभावना उतनी क्या होती है, कम होती है। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, विशेष जब हम अगली कक्षा में दोबारा मिलेंगे तो प्रायिकता के और नए सवाल लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद, नमस्कार।